डेक्लेटिव सेंटेंसेस फॉर्म डी स्टूडेंट मुझे आपसे uh, इस मॉड्यूल में डेक्लेटिव सेंटेंसेज के बारे में बात करनी है कि वाट आर दिक्लेरेटिव फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेज डेक्लेटिव सेंटेंस टाइपिकली फॉलो आ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंसेज को कम्बाइन करने की जो तरतीब है वो क्या है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो ये वर्ड ऑर्डर है उसमें दिस वर्ड ऑर्डर कैन बी मॉडिफाइड मॉडिफाइड फॉर एम्फेसिस और क्लेरिटी द सब्जेक्ट ऑफ डेक्लेटिव सेंटेंस यूजली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब मसलन द कैट सेट ऑन द मैट इट फॉलोज द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर तो ये नहीं इसमें क्या है ये उस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑर्डर को फॉलो किया गया है अ डेक्लेटिव सेंटेंस टेल्स समथिंग ठीक है डेक्लेटिव सेंटेंसेज हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और द वर्ब ऑफ डेक्लेटिव सेंटेंस एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड अ पर्सन शी वॉक्स टू वर्क इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है वाइल दे वॉक टू वर्क यूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट तो पहली बार जो है मतलब है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है उसमें क्या था कि वॉक्स वॉक walk की बजाय शी के साथ वॉक्स यूज हुआ है बट जब ये प्लूरल इस्तेमाल हुआ है सो दे वॉक टू वर्क तो ये इसमें फिर वो उसी तरह उसको यूज़ किया गया प्लूरल तो ये नहीं सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्री होना उसके मुताबिक उसको यूज़ करना चाहिए तो सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास और वाइल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो टू और मोर क्लासेस रखते हैं उन जब हम इस्तेमाल करते हैं उनको सो दी सेंटेंसेस कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव यानी ये पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे एक्सप्रेस अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक आइसक्रीम इज़ एन अफर्मेटिव डेक्लेटिव सेंटेंस यानी ये एक पॉजिटिव अफर्मेटिव डेक्लेटिव सेंटेंस है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है सो वैन आई डोंट लाइक पम्पकिंस इज़ अ नेगेटिव डेक्लेटिव फॉर्म तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो डेक्लेटिव सेंटेंसिस मेक्स अ सेंटेंस एंड एंड इन अ पीरियड आई लाइक फ्रीडम डेक्लेटिव सेंटेंस है मेक अ स्टेटमेंट और इस तरह इसको इजेंट दिस ग्रेट इंटरोगेटिव सेंटेंस है स्टॉप मी इफ यू कैन तो ये क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस है यानी इसमें ऑर्डर है और आई एम फ्री तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ये आया है और ये एक्सप्रेस इमोशंस तो डिफरेंट ये इसकी जो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की जो डिफरेंट डायमेंशनस है उसके बारे में जैसे इसमें पहले में आस्क क्वेश्चन है फिर गिव अ कमांड एक ऑर्डर देना है और तीसरे में एक्सप्रेस इमोशंस तो ये डिफरेंट अंदाज से ये Uh, express karte hai, declarative sentences the sentences also can be used to convey a wide range of information opinion, thoughts and ideas or uh, these sentences are essential for clear and effective communication in English or in by mastering the rules of sentence structure and verb agreement speakers and writers can क्रिएट क्लियर कम्युनिकेशन यानी वो अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं इफ़ेक्टिव बना सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में द कैट इज साइटेड ऑन अ चेयर अब इसमें द कैट क्या है सब्जेक्ट है और साइटेड प्रेडिकेट है और ऑन अ चेयर ये पंक्चुएशन सो व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस